हे दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स योर फैजल। दोस्तों आज अपने पास है अपनी खुद की पर्सनल बाइक राइडर टीवीएस राइडर, जो कि अभी अपने ने इसको परचेज किए हो गया लगभग 20 से 25 दिन के आसपास हो गया। दोस्तों मैं आज आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं, जो कि मैं पर्सनल ओन ड्राइव किया हूं। और इसकी मेन चीज़ दोस्तों, मैंने इस पर 500 किलोमीटर डन कर चुका हूं। और दोस्तों अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो मैं आपको आज इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज बाइक के बारे में क्या आता है क्या नहीं आपको डिटेल बताने। इसके पहले भी मैंने बाइक का रिव्यू करके रखा है दोस्तों, टीवीएस राइडर 125, जो कि काफ़ी अभी हाइप बनी हुई बाइक में। इसमें क्या आपको क्या लेने के बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या आपको दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप मत कीजिएगा। फर्स्टली मैं आपको इसके एडवांटेज बताना चाहता हूं दोस्तों, ये बाइक में कंप्लीटली आपको 125 सीसी मिलता है। फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस बाइक, आपको टोटल इसमें तीनों के तीनों लाइट्स यानी कि पूरी एलईडी वाइट एलईडीज आती हैं, क्योंकि इसका मेन फर्स्ट एडवांटेज इन नाइट्स है दोस्तों। और दूसरा मैं इसको आपको एडवांटेज बताने वाला हूं। सो दोस्तों दूसरा एडवांटेज है इसका बाइक लेने का, आपको इसकी पावर, इसकी पावर की बात मैं बताता हूं दोस्तों। ये 11.2 NM का टॉर्क और 11.2 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि अपने 125 की रेंज में, जो कि RC आती है 125 CC, डुक RC पल्सर SP साइन 125 CC, सबसे कंपेटेबल में सबसे ड्रैग रेस में जीत चुके हैं दोस्तों। आने वाले वीडियो में मैं ड्रैग रेस भी करने वाला हूं अपने चैनल पे, खुद के चैनल पे। और दोस्तों दूसरा एडवांटेज मैं आपको बताता हूं कि लाइट वेट मशीन है दोस्तों, जो कि नेक्ड लुक में आती है, ये आपको मैं एडवांटेज बताया दोस्तों। इसका तीसरा एडवांटेज सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा हुआ है, इसका पुश स्टॉप यानी कि स्टार्ट बटन, यानी कि इसका पुश, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं भी आपको पूरा फुल डिटेल, जैसे आप, मैं हल्का सा न्यूट्रल बाइक में, बाइक न्यूट्रल पे है, मैं हल्का सा देखें, केवल ओनली वन टच, दैट्स अ गुड फीचर फॉर मी एज अ, और यानी कि मैं विलेज टाइप एरिया में रहता हूँ, परेशानी नहीं होगी। और इसमें, और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक, ये तीसरा आपको एडवांटेज मैंने गिना दिया। अब चौथा एडवांटेज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों बाइक में, जैसे कि आपको चौथा एडवांटेज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, साइड मिरर कैसे लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई, आपको मॉडिफिकेशन वीडियो मिलेगी। देखिए मैं चौथा आपको मैं एडवांटेज बताऊँ, इस बाइक का चौथा एडवांटेज है दोस्तों इसका ये टेक्नोलॉजी। जैसे अभी बाइक साइड स्टैंड पे है, मैंने सेल्फ मारा बाइक को, जैसे ही मैं गियर डालूंगा, इसका चौथा एडवांटेज है बाइक बंद, ऑटोमेटिकली बाइक बंद, बाइक आगे नहीं जाने वाली दोस्तों, बाइक आगे नहीं जाएगी, क्योंकि साइड स्टैंड आप सभी देख सकते हैं कि साइड स्टैंड इसका गिरा हुआ है यहाँ पे। ये टीवीएस राइडर का चार एडवांटेज मैंने आपको गिना चुका हूँ। एक आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इसका, ये लुक, और लुक, और लुक के साथ ये जो इसका एडवांटेज है आप पी लो, सीटिंग पोजीशन, जो कि आप फैमिली, अगर आपको फैमिली लेके चलनी है, इसमें साइड सीट साइज ऐसी दी गई हो कि आप अपनी फैमिली को बैठा सकते हैं दोस्तों, मुझे ये एडवांटेज लगा। छोटे फोटे और भी एडवांटेज है, मैं आपको दोस्तों, अब मैं आपकी इसको एक दो से तीन मुझे डिसएडवांटेज लगे इस बाइक में, जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। पहला डिसएडवांटेज ऑफ दिस बाइक, इस बाइक का मुझे एक डिसएडवांटेज लगा दोस्तों, कि मुझे, मैं चला रहा हूं तो यहां पे खन 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 की आवाज़ आ रही है दोस्तों। मैं जैसे बाइक यानी कि कहीं थोड़ा गड्ढे पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे कट 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 की आवाज़ आ रही है इस मड के आसपास, जो कि रिजॉल्व नहीं हुई अभी तक, क्योंकि दोस्तों अभी सर्विस सेंटर पे बाइक नहीं आई हुई, उन्होंने बोला भाई सर्विसिंग के लिए। और दोस्तों भाई आपको मैं दिखा दूँ, 5 to 8 किलोमीटर डन हो चुकी है बाइक के। और मैं दूसरा आपको डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ दोस्तों बाइक का, जो कि काफ़ी मुझे यानी कि एक हद से डिसएडवांटेज नहीं लगा, बट अगर आपको कोई बाइक लेनी है तो आपको मैं एक डिसएडवांटेज और बता देता हूँ इस बाइक का, उधर से मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मेन डिसएडवांटेज आपको किक स्टार्ट नहीं मिलेगा, किक से आप बाइक स्टार्ट नहीं करते, इनकेस अगर आपकी बाइक कहीं बंद हो जाती है, बैटरी कोई इशू आता है, तो आप बाइक स्टार्ट नहीं कर सकते दोस्तों। देख सकते हैं आप यहाँ पे कहीं कोई नहीं आता। और मुझे एक डिसएडवांटेज क्या लगा है, मुझे पर्सनली एक इसमें जो कमी महसूस हो रही है, इसमें जो कार्बोरेटर सिस्टम बंद होगा, अगर कार्बोरेटर सिस्टम ये बाइक आती दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट बाइक रहती है अभी आपकी सीसी में। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यानी कि मैं बताना चाहूँगा, अभी मैं आपको खुद पर्सनल एक रिव्यू देना चाहता हूँ, मैं अभी फेस कैम से आपको बताऊंगा कि दोस्तों इसके मैंने क्या दे सकता हूँ। एज अ ओनर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ बाइक के बारे में, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा यानी कि अच्छी लगी है, कि आप ये बाइक लेंगे ना दोस्तों, मेनली आपसे लोग मुड़ मुड़ के आपको पूछेंगे भाई आप बाइक कौन सी लियो, भले कुछ दिन का आपको वेटिंग पीरियड लगेगा दोस्तों, बट एज ऑफ नाउ अगर आप बाइक ये लेंगे तो आप पूरी तरीके से संतुष्ट रहेंगे। सो दोस्तों क्योंकि ये बाइक 125 सीसी में
अपनी इतना पावर रखती है कि ये डुक ओ सॉरी आरसी 125 को मैंने आज ड्रैग रेस देखा, जो कि अपने एक भाई उन्होंने किया है, उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक डुक हो गई, ओ सॉरी बार बार डुक का नाम आ रहा है, डुक 125 उससे भी रेस हुई है, अपने भी रेस करेंगे दोस्तों, अपने भी रेंज में डुक है, अपने ना कॉन्टेक्ट चल रहा है दोस्तों। और SP साइन होगी, उससे भी रेस हाईवे वेडल पर चली है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि इनिशियल में तो आप इसको दोस्तों FZX जो अभी आई हुई है उसको तक का ये टक्कर दे रही है दोस्तों, जो कि 125 cc की बाइक है। मैं सोचता हूँ कि मैंने वेट किया दोस्तों, अच्छा किया। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो दोस्तों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आप करके ही जाइएगा दोस्तों। और दोस्तों मुझे इसमें कुछ मोड्स मैंने सोच के रखे हैं, मैंने ऑर्डर करके रखा है, जो पिछले हमारे भाई देख रहे होंगे सॉरी दोस्तों, क्योंकि आपको मैं वीडियो नहीं दे पाया दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली मैं 2 दिन से बहुत बिजी चल रहा हूँ, बट मैं आपको कैसे भी करके, मैं क्योंकि 500 किलोमीटर हो गया है। और दोस्तों मेनली मुझे एक दिक्कत और बाइक के साथ आ रही है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीटर प्रॉब्लम। इसके पहले मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मीटर प्रॉब्लम इसमें या तो इशू आ गया है लैग का, या तो कुछ और भी इशू आ गया है, क्या आया उसको मैं 500 किलोमीटर हो गया तो जैसे सर्विस का वहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, सर्विस का रिमाइंडर आ गया, प्लस इंजन लाइट भी शायद से आ ही गई है कि आप सर्विस सेंटर में जाइए, सर्विस सेंटर आपका वेट कर रहा है वहाँ पे, एक्चुअल में सर्विस सेंटर आपको वेट वगैरह नहीं कर रहा है दोस्तों। मैं आपको कितने तो दोस्तों अगर आपको बाइक लेनी है तो गो फॉर इट। मैं कोई पर्सनल, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप, मुझे कोई पेमेंट, कोई ब्रांड प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप ऐसे प्यार और सपोर्ट अपना करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले, अब दोस्तों जो भी वीडियो आएगा मॉडिफिकेशन के ऊपर आएगा दोस्तों, वेट करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से। मिलते हैं आपसे अगले, यानी कि आपको अगला व्लॉग जो मिलेगा मॉडिफिकेशन का मिलेगा TVS राइडर 125 का। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे, डू लाइक डू शेयर डू सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं आपसे व्लॉग।